नमस्कार, रवा देखत बानी उत्तर बंगाल से सिक्किम तक के नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव राउट समय राउट समाचार। हम नेहा गुप्ता। सबसे पहले रवा सबने के नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देत बानी। खबर विस्तार में बढ़े से पहले आइए को नजर डाल जाए खबर संक्षिप्त में। देश भर में हर्षोल्लास, उमंग और मस्ती के साथ मनावल गयल नया साल के जश्न। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस आज मना रहल बानी अपना 21वां स्थापना दिवस। देशव्यापी हड़ताल के लेके विभिन्न ट्रेड यूनियन के ओर से निकालल गयल रैली। बंगाल सफारी पार्क के पिंजरा से फरार भइल चीता। सिक्किम के मुख्यमंत्री पश्चिम सिक्किम के देंताम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन के कली उद्घाटन। अब न रहनी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कादर खान। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में भव्य तरीका से मनायल गयल नया साल। जलपाईगुड़ी जिला अपना 150वां साल में कनी प्रवेश। अब देखत नहीं खबर विस्तार से। देश भर में हर्षोल्लास, उमंग और मस्ती के साथ मनावल गयल नया साल के जश्न। नाच गा के करल गयल 2019 के स्वागत। नया साल 2019 के आगाज हो चुकल बा। दुनिया भर में आदमी लोगिन जोर शोर से नया साल के स्वागत कैनी। कुछ जगह में जम के आतिशबाजी भइल तो कहीं आदमी लोगिन नाच गा के नया साल के जश्न मनैनी जा। सिलीगुड़ी के विभिन्न जगह कुल में पार्टी के आयोजन करल गयल रहे और आदमी लोगिन जम के मस्ती करत हुए नजर आईनी। शहरवासी जश्न के साथे वर्ष 2018 के विदा कैनी और नया साल 2019 के धूमधाम से स्वागत कैनी। इस मौका में शहर के छोट बड़ सबे होटल रेस्टोरेंट में भी आधी रात तक डीजे में युवा जम के थिरकनी जा। रात के 12 बजते ही आतिशबाजी के धूम धड़क्का से आसमान गूंज उठल। इस मौका में आसमान में आतिशबाजी भी देखल गयल। नया साल के शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से भइल। सिडनी के हार्बर ब्रिज में करीब 12 मिनट तक आतिशबाजी भी भइल। रास्ता में इकट्ठा भइल आदमी लोगन जम के आतिशबाजी कहनी जा और गला मिल के एक दूसरा के नया साल के बधाई दिहनी। न्यूजीलैंड भारत से करीब 7 घंटा आगे बा, यही खातिर वहां सबसे पहले नया साल के शुरुआत भइल। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस आज मना रहल बानी अपना 21वां स्थापना दिवस। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मंगलवार के पश्चिम बंगाल और देश भर में अपना 21वां स्थापना दिवस मनैनी। स्थापना दिवस के मौका में राज्य स्तर पे कई गो कार्यक्रम के आयोजन भी करल गयल। पार्टी मुख्यालय में झंडो उत्तोलन कैला के साथ ही सामाजिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न जगह में रक्तदान के आयोजन भी करल गयल रहे, जहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्मी लोगिन शामिल रहनी जा। पार्टी के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ स्तर पे स्थापना दिवस पालन भइल। तृणमूल कांग्रेस के एगो वरिष्ठ नेता बतैनी जे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 जनवरी से लेके अगला कई दिन तक सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन करल जाये। उल्लेखनीय बाजे 1 जनवरी 1998 के स्थापित तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान में लोकसभा में 42 को जबकि राज्यसभा में 23 को सीट बा। पार्टी मुख्य ममता बनर्जी शहीद दिवस के मंच से ही लोकसभा चुनाव के संकनात करत हुए 19 जनवरी के ब्रिगेड सभा आह्वान कैनी। देशव्यापी हड़ताल के लेके विभिन्न ट्रेड यूनियन के ओर से निकालल गयल रैली, करल गयल सभा के आयोजन। आगामी 8 और 9 जनवरी के देश भर में हड़ताल के आह्वान करल गयल और इस हड़ताल के समर्थन में इतवार के दिन ट्रेड यूनियन के ओर से एगो विशाल रैली निकालल गयल। इस रैली एयरव्यू मोड़ से शुरू होके सेवक मोड़, हाशमी चौक, कोर्ट मोड़ होकत हुए बागा जतीन पार्क पहुँच के खत्म भइल। इस रैली में हजार के संख्या में श्रमिक लोगिन हिस्सा लिहनी। रैली के बाद ट्रेड यूनियन के द्वारा बागा जतीन पार्क में एगो खुलल जनसभा के आयोजन भी करल गयल। इस जनसभा के INTUC अध्यक्ष आलोक चक्रवर्ती, माकपा के नक्सल नेता अभिजीत मजुमदार, CITU के गौतम घोष, UTUC विकास सेन राय, माकपा संयोजक जीवेश सरकार, विधायक उमेर अशोक भट्टाचार्य संबोधित कैनी। बंगाल सफारी पार्क के पिंजरा से फरार भइल चीता, पूरा इलाका में मचल हड़कंप। खोज में जुटल बानी वन विभाग के टीम।
बंगाल सफारी पार्क के अधिकारी और कर्मचारी लोगिन के जब पता चलल कि चीता पिंजरा से निकल के भाग चलल बा तो पूरा पार्क में हरकम माच गई। आनंद फानन में पर्यटक लोगिन के बगान पार्क में घुसला पे रोक लगा दिहल गई। पूरा इलाका में वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहल बानी। आसपास के आदमी लोगिन के भी सतर्क करल गई बाटे ताकि चीता से सतर्क रहे और कहीं भी उस चीता के निशान मिले तो तुरंत वन विभाग के खबर करी। पूरा जोर शोर से चीता के तलाश करल जा रहल बाटे। सिक्किम कल्याण आश्रम ईस्ट सिक्किम के ओर से परिवार मिलन 2018 के कार्यक्रम आयोजन भेल संपन्न। पूर्वी सिक्किम के रानीपुल में सिक्किम कल्याण आश्रम के ओर से परिवार मिलन समारोह के आयोजन करल गेल रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद उपस्थित रहनी। एकरा अलावा सम्मानित अतिथि के रूप में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव श्री विष्णु कांत जी, लेप्चा प्रिमिटिव ट्राइबल बोर्ड एंड पेट्रोल सिक्किम कल्याण आश्रम के चेयरमैन श्री सोनम दुबदेन लेप्चा, सिक्किम कल्याण आश्रम के अध्यक्ष पी एस सुब्बा साथे कई को गणमान्य लोगिन यहाँ उपस्थित रहनी। परिवार मिलन समारोह में विभिन्न क्षेत्र कुल में उल्लेखनीय योगदान देवे वाला 8 को आदमी लोगिन के सम्मानित करल गयी। सामाजिक साथे विभिन्न क्षेत्र में योगदान देवे वाला टेम्पो भुटिया, घनश्याम दास अग्रवाल, आरसी मांगला, श्रीमती सोनम पालजोड़, एलडी सुब्बा, श्रीमती शकुंतला देवी, राजकुमार थिरानी और बीसी पेरीवाल के प्रशस्ति पत्र दे के और खादा पहना के उनकरा के सम्मानित करल गयी। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद अपना हाथ से सबके प्रशस्ति पत्र प्रदान कैनी। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में आदमी लोगिन यहाँ उपस्थित रहनी। उत्तर बंगाल से सिक्किम तक के प्रमुख समाचार कुल के विस्तार से देखे खातिर एसके लाइव के यूट्यूब चैनल के अबे सब्सक्राइब करी। सब्सक्राइब खातिर नीचे दिए गए बटन के अबे दबाई, साथ ही फेसबुक में लाइक और शेयर भी जरूर करी। लेते को छोटा सा ब्रेक, लौटतनी ब्रेक के बाद। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का वाइस चेयरमैन श्रीमान अनित थापाज्यूले क्रिसमस अनि नयाँ वर्ष 2019 को सबैलाई आन्तरिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। तिनले आफ्नो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा जिटिएको पदभार आफूहरूले सम्हालेपछि नै अहिले सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको दिनरात चौतर्फी विकासमूलक कार्यहरू भइरहेको अवगत गराउँदै आउँदो वर्ष 2019 अझ यसभन्दा अधिक विविध विकासमूलक कार्यहरू गर्ने आफ्नो सोच रहेको बताएका छन्। यसको साथै नयाँ वर्षमा आफ्नो जातिको भाषा साहित्य संस्कृतिको अझ थप विकास गरेर लैजानको साथै सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक चेतनाको पनि अभिवृद्धि गरेर लैजाने आफूले प्रण गरेको तिनले जनाएका छन्। श्रीमान अनित थापाज्यूले जिटिए क्षेत्र लगायत अन्य सबै महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको अग्रिम हार्दिक शुभकामना सहित सुख शान्ति भाइचाराको सन्देश अनि उत्तरोत्तर प्रगति एवं उन्नतिको पनि कामना गरेका छन्। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोज आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट सोमाली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। Interested to learn photography but don't have time on weekdays? Good news, we have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of the Division and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We stream over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. ब्रेक के बाद खबर विस्तार से।
हर साल के जैसे ये इस साल भी तराई डुअर्स के डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मोहन शर्मा अलीपुरद्वार जिला के कालचीनी पाना नदी के नजदीक बूढ़ पुरानिया लोगों के लेके करल गए वनभोजन के कार्यक्रम। हर साल के जैसे ये इस साल भी मोहन शर्मा लगभग 2500 से ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लेके वनभोज के आयोजन कैनी। मोहन शर्मा इ काम विगत 14 साल से करत आ रहल बानी। इ दौरान सबके कम्बल प्रदान करल गेल और उ लोगों के स्वास्थ्य जांच भी करायल गेल। इ वनभोजन कार्यक्रम में उपस्थित रहनी अलीपुरद्वार जिला शासक निखिल निर्मल, पुलिस सुपर सुनील कुमार यादव, जिला परिषद के सभापति शीला दास सरकार के साथे और विधायकगण। খুবই ভালো লাগছে আমাদের মোহন শর্মা জির পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভ দিয়ে এই প্রোগ্রামটা 14 বছর থেকে খুব সাকসেসফুলি হচ্ছে। আজকে 14th ইয়ার। দেখলে এই প্রোগ্রাম আমরা 14 সাল সে হো রা হ্যায়। এই হাম লোগ 14 সাল মে শুরু কি তো 56 আদমি কো লেকে। আজ আপ লোগ দেখ রহে হ্যায় 2500 আমারে এই চায় বাগান বনবস্তি বিভিন্ন ক্ষেত্র সে জো বৈবিধ ব্যক্তি লোগ হ্যায় জো সেই হিসাব সে উনকা ভরণ পোষণ পালন পোষণ নেই হতা হ্যায়। उनको लेके आज एक दिन का ये पिकनिक का हम लोग प्रोग्राम। कलकत्ता से बागडोगरा एयरपोर्ट आ रहल विमान आसमान में अचानक से हिलल। 60 गो यात्री लोगन के अटकल सांस। ई विमान में यात्रा कर रहल करीब 60 गो यात्री लोगन के उ टाइम में सांस अटक गेल रहे जब पता चलल आकाश के बीच में उड़ रहल विमान में तकनीकी खराब आ गेल बाटे। हालांकि विमान के सफलता पूर्वक एयरपोर्ट में उतार दिहल गेल। एकरा बाद विमान में सवार यात्री औरी चालक दल के सदस्यगण राहत के सांस लेनी जा। ई घटना सोमवार के घटल रहे। मिलल जानकारी के अनुसार एगो गैर सरकारी एयरलाइन के विमान कलकत्ता से बागडोगरा एयरपोर्ट खातिर सुबेरे 6 बजे उड़ल रहे और उड़ान भरला से कुछ देर बाद ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जेकरा बाद विमान के बागडोगरा एयरपोर्ट न लिया के फिर कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतारल गेल। विमान के कलकत्ता एयरपोर्ट में उतरला के बाद तकनीकी गड़बड़ी के दूर करल गेल। करीब 45 मिनट के मशक्कत कैला के बाद फिर विमान उड़ान भरलस। कुछ बिहार के रास मेला मैदान में आयोजित किताब मेला में उमर रहल बाटे किताब पढ़े वाला प्रेमी लोगन के भीड़। हर साल के जैसे ये इस साल भी कूच बिहार के रास लीला मैदान में बही मेला के शुरुआत हो चुकल बा, जौन की 6 जनवरी तक चली। इ मेला में किताब प्रेमी लोगिन के आयल शुरू हो गेल बा। पुस्तक मेला के लेके आयोजित एगो पत्रकार सम्मेलन में उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविन्द्रनाथ घोष और जिला शासक कौशिक साह पुस्तक मेला के संबंध में विस्तृत जानकारी दीहनी। मंत्री श्री घोष बतेनी जे हर साल के जैसे ये इस साल भी मेला में 2 पुरस्कार दीहल जाय। कवि अमिय भूषण स्मृति पुरस्कार और कवि अरुणेश को स्मृति पुरस्कार प्रदान करल जाए। कवि अमिय भूषण स्मृति पुरस्कार काल बैसाखी पत्रिका के संपादक रमणी मोहन वर्मा के दिहल जाए। दिन हटा पिछला 34 साल से ई पत्रिका के संपादन करल आ रहल बानी। जबकि कवि अरुणेश को स्मृति पुरस्कार मेघला आकाश खिलखिलाना के संपादक एम अवसाद अली के दिहल जाए। उ बतेनी जे के ई बही मेला में 130 गो स्टॉल लगाएल गेल बाटे जहाँ सभ्य प्रकार और भाषा के किताब मिली। আমরা 2 পুরস্কার সবসময় দিয়ে থাকি। একটা কবি অমিয় ভূষণ স্মৃতি পুরস্কার এবং কবি অরুণেশ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग इतवार के पश्चिम सिक्किम के देंताम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन के कैनी उद्घाटन। स्थानीय आदमी लोगन के अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलावे के उद्देश्य से ई भवन के निर्माण करल गेल बा। ई अवसर में मुख्यमंत्री चामलिंग के साथे स्वास्थ्य मंत्री एके घतानी, उक्त क्षेत्र के विधायक शहर विकास मंत्री एनके सुब्बा, स्वास्थ्य सचिव विशाल चौहान के साथे और वरिष्ठ लोगन उपस्थित रहनी। लेते गो छोटा सा ब्रेक, लौटतनी ब्रेक के बाद। सम्पूर्ण गोर्खा सन्तान प्रति नयाँ वर्ष 2019 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँ वर्षमा सबैहरू प्रति उत्तर उत्तर प्रगति सहित शान्ति सद्भावनाको कामना पनि गर्दछु। राजेश चौहान, गोजमुह केन्द्रीय समिति सदस्य। भारतभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानप्रति नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष सम्माननीय विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा एवं सम्पूर्ण सदस्यप्रति पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँ वर्षमा दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रको उत्तरोत्तर प्रगति हुनको साथै शान्ति र सद्भावना बनिरहोस्। विनित सिडी बान्तवा, केन्द्रीय सदस्य कार्यकारिणी समिति, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन।
डीके भेराइटी स्टोर सुके पोखरी द्वारा संपूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नव वर्ष 2019 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नयाँ वर्षले तपाईको परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि लिएर आओस्। यस स्टोरमा रेडिमेड लेडिज जेन्ट्स अनि किड्सहरूका लुगाहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। विनित डीके भेराइटी स्टोरको पक्षमा डीके तामाङ, उमा तामाङ, सुक्या पोखरी, दार्जिलिङ। विपन्न अवस्थामा रहेर जसले आफ्नो उपचारको निम्ति कुनै पहल गर्न सकिरहेका छैनन् तिनीहरूसितै सबै रोगीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबै किसिमको रोगीहरूको सुपथ मूल्यमा स्वास्थ्य जाँच वा उपचारको निम्ति म सधैँ तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विनित डाक्टर जयन्त गोस्वामी, एक्स मेडिकल अफिसर, टी गार्डन हस्पिटल। समष्टि हुँदै देश विदेशमा छरेर बसेका सम्पूर्ण गोर्खाहरू लगायत विश्वभरिका मानव जातिमा नव वर्ष 2019 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूलाई आउँदै गरेको नव वर्षले सुख शान्ति समृद्धि खुसी तथा उमङ्ग छाओस्। ह्याप्पी न्यु इयर 2019। सभापति सचिव श्रीमान राय, दीपक तामाङ तथा समस्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिवार, पुल बिजनबारी, गोक समष्टि। देश विदेशमा छरेर बसेका सम्पूर्ण गोर्खा सन्तान लगायत विश्वभरिका मानव जातिमा नव वर्ष 2019 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको जीवनमा नव वर्षले सुख शान्ति समृद्धि खुसी तथा उमङ्ग छाओस्। सर्वे भवन्तु सुखिन। ह्याप्पी न्यु इयर 2019। सतीश पोखरेल, उपाध्यक्ष, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, केन्द्रीय समिति, दार्जिलिङ। ब्रेक के बाद खबर विस्तार से। अब ना रहनी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कादर खान, कनाडा के एगो अस्पताल में भइल निधन। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कादर खान के 81 साल के उम्र में निधन हो गए बटे। हालात गंभीर होकला पे उनकरा के कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराइल गए रहे। उनकरा सांस लेवे में ज्यादा दिक्कत होकला से वेंटिलेटर में बाद में राखल गए। उनकरा इलाज कनाडा के एगो अस्पताल में चलत रहे। कादर खान के आखिरी बार 2015 में आयल फिल्म दिमाग के दही में देखल गए रहे। उनकरा बेटा सरफराज बोलनी जे हमनी के परिवार के सभ्य सदस्य लोगिन एहा बानी जा, यही खातिर हमनी के यही अंतिम संस्कार करे के फैसला लिहले बानी जा। कादर खान के प्रोग्रेसिव सुप्रान क्लियर पाल्सी डिसऑर्डर रहे, जेकरा कारण उनकरा दिमाग काम करे बंद कर दिले रहे। उनकरा हालत के बारे में जानकारी मिलला पे फैंस के साथे फिल्म में सितारा भी कादर खान के ठीक होकला के दुआ करत रहनी, लेकिन उ 31 दिसंबर के साझे 6 बजे अंतिम सांस लिहनी। वाइल्ड लाइफ डे के उपलक्ष्य में युवा वर्ग वन प्राणी के संरक्षण खातिर जागरूकता पैदा करे के उद्देश्य से निकालल गेल साइकिल रैली। युवा वर्ग में वन्य प्राणी के संरक्षण खातिर जागरूकता पैदा करे के उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ डे के उपलक्ष्य में वन विभाग के बैकंठपुर डिवीजन के सालूगढ़ रेंज साइकिल रैली के आयोजन कैनी जा। ई रैली सालूगढ़ डिवीजन से शुरू भइल, जौन की इस्कोन मंदिर, सेवक रोड, चेक पोस्ट सालूगढ़ से होकत हुए बंगाल सफारी पहुँच के खत्म भइल। ई रैली में स्कूली बच्चा लोगिन के साथे वन विभाग के कर्मचारी लोग भी उपस्थित रहनी। नागरकाटा ब्लॉक के आंगरा भाषा ग्राम पंचायत इलाका के दक्षिण आंगरा भाषा में तृणमूल युवा कांग्रेस के ओर से नर्सिंग ट्रेनिंग के व्यवस्था कराई गई रहे। लगभग 250 लड़की लोगिन के प्रशिक्षण के व्यवस्था करल गेल, जेकरा मूल उद्देश्य रहे 4 महीना के भीतर ई कोर्स कंप्लीट करके ग्रामीण आदमी लोग के सहायता करल और सरकारी तौर से लड़की सन के नौकरी मिल सके, एकरा खातिर भी उ लोगिन के तैयार करल। ई अवसर में तृणमूल युवा के नेता गणेश राय बतैनी जे पूरा ग्राम के लड़की सन स्वनिर्भर हो पाई, यही खातिर नर्सिंग ट्रेनिंग के व्यवस्था करल गेल बाटे। साधारण उपाय जे सब काज करा हय, একজনের হাত পা কেটে গেলে অথবা কিছু হলে তারকে কিভাবে সাহায্য করতে হয় এসব আমাদের এখানে শেখাচ্ছে, যেমন ফার্স্ট এড বক্স, এইসব ধরনের চিকিৎসা করা শেখাচ্ছে আমাদের। আমরা আংরা বাজার 2GB কো বসনে মানছি। আমরা ইয়াছে চাহিদা, আমরা এরা নার্স কো ট্রেনিং কো ব্যবস্থা করে গেছু। ইও নার্স কো ট্রেনিং কো ব্যবস্থা করণ কো মেন কারণ হো জো জো আমরা কো ইয়া কো বইনে এরো নার্স কো ট্রেনিং গর্দাইছা। ইন্দ্র নার্স কো ট্রেনিং গরে আমরা কো গাউ কো जो सानो सानो समस्याहरू चिकित्साको लागि समस्याहरू छ, त्यो चिकित्साको लागि अगाडि बढेर अलिकति सहयोगिता गर्न सक्छ। सिलिगुडी जर्नलिस्ट क्लबमा भव्य तरिकाले मनाइल गेल नयाँ साल 2019 के करल गेल स्वागत।
सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में 2019 के स्वागत केक काट के करल गई इस मौका में एसीपी अचिंत गुप्ता, एसएमपी के अरूप रतन घोष, बीजेपी सिलीगुड़ी संगठित जिला सभापति अभिजीत राय चौधरी, क्लब के अध्यक्ष प्रमोद गिरी, सचिव अंशुमन चक्रवर्ती सहित और दूसरा सदस्य लोग यहाँ उपस्थित रहनी जा। साथ ही पार्टी के आयोजन भी करल गई रहे जेकरा में डीजे पे जमकर क्लब के सदस्य लोग थिरकनी जा। रात के 12 बजला के बाद आतिशबाजी भी भइल। जलपाईगुड़ी जिला के 150 बरस पूरा होखला के अवसर में जलपाईगुड़ी शहर के सभी निवासी लोगिन के एसके लाइफ के पूरा टीम के ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देत बानी। पराधीन भारत के 1 जनवरी 1969 साल के दिन तीन गो जिला के विभाजित भइल रहे जलपाईगुड़ी जिला। 1 जनवरी 2019 के जलपाईगुड़ी जिला अपना 150वां वर्ष में प्रवेश कैले बानी। इस अवसर में विश्व बंगला क्रीड़ांगन के ओर से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकालल गई। एकरा अलावा 31 दिसंबर के दिने सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन करल गई। आज के ठीक दिन तो ठीक तेमनी एक आवेगपूर्ण दिन जलपाईगुड़ी शहर एवं जिलार सर्वस्तर मानुष के लिए आज के 150 बचर समस्त स्कूल सर्वस्तर মানুষরা এখানে আজকে জলপাইগুড়ির 150তম বর্ষ আমরা পালন করছি। সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে মিছিলটা বনন্ত মিছিল করছি। उत्तर बंगाल से सिक्किम तक के प्रमुख समाचार कुल से अपना आपके अपडेट रखे खातिर एसके लाइव के यूट्यूब चैनल के अबे सब्सक्राइब करी। सब्सक्राइब करे खातिर नीचे दिहल गेल बटन के अबे दबाई। साथ ही फेसबुक में लाइक और शेयर भी जरूर करी। अब तक खातिर इतना ही। आगे खबर खातिर बनल रही रहो एसके लाइव के साथ। राउड समय राउड समाचार। धन्यवाद।